राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन आईपीएस संजय श्रोत्रिय ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने पर उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता परीक्षाओं को समय पर करवाना बताया। वहीं नए चेयरमैन के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आईपीएस संजय श्रोत्रिय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर के अनुसार रखने का प्रयास करेंगे। सभी परीक्षाएं समय पर पूरी हो सके, इसके लिए आयोग पूरी कोशिश करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस मुख्य परीक्षा 2021 को लेकर आंदोलन की जानकारी उन्हें भी मिली है, लेकिन अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग परीक्षाओं को समय पर पूरी हो यह चाहता है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि के अनुसार ही तैयारी में जुटे हैं। आयोग का प्रयास यह रहेगा कि सभी परीक्षाएं समय पर ही पूरी हो जाए, जिससे प्रदेश में बेरोजगारों को समय पर नियुक्तियां मिल सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत सिंह राठी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। श्रोत्रिय द्वारा पदभार की शपथ ली गई। इस मौके पर आयोग के सदस्य मंजू शर्मा, राजकुमारी गुर्जर और बाबूलाल कटारा भी मौजूद थे। मैं एक चैलेंज के रूप में देखता हूं इसको। हाँ, बहुत सारे जो कैलेंडर है उसके हिसाब से बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, और मैं अभी चूँकि मैंने ज्वाइन ही किया है तो ये सब जानकारी मैं अभी जो अपने पहले जो अध्यक्ष अपने जिनके पास चार्ज था उनसे और बाकी मेंबर्स से अपने स्टाफ से पूरी जानकारी लूँगा कि इसमें इस कैलेंडर में क्या क्या एग्ज़ाम्स इस बार होने और उससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी भी विरोध कर रहे हैं कि तारीखों को चेंज किया जा रहा है उसको। हाँ, ये मैंने भी इसमें देखा है, मीडिया में भी है और मेरे नॉलेज में है। उस बारे में भी मैं प्रायोरिटी से एक बार देखने की कोशिश करूँगा क्या तो इशू है और उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि एक जैसे यूपीएससी का कैलेंडर होता है, हर मतलब उसमें जो आदमी वास्तव में सिंसियरली जो परीक्षा देना चाहता है वो ये चाहता है कि अननेसेसरी डिले नहीं हो, क्योंकि हम भी इसी फेज से गुजरे हैं, आप सभी गुजरे होंगे इसी फेज से। तो जो आदमी सिंसियर है वो चाहता है कि भाई समय पर एग्ज़ाम हो, तो एक बार इसको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में कोई इशू है या कोई और किसी कारण से कोई इसको इशू बनाया जा रहा है। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन प्राथमिकता सबसे ज़्यादा ये कि हम एग्ज़ाम को टाइमली कंडक्ट कराएं। लगातार बीच में भी कुछ पाठ्यक्रम में एसीबी का भी यहाँ पर लगा था कि भ्रष्टाचार के आरोप आए थे कुछ, तो उसको लेकर भी कुछ आगे आपको। ये मैंने आपसे निवेदन किया ना कि एक बार चूँकि जब तक मैं सिस्टम को देखूँगा समझूँगा, अभी तो मैंने सिर्फ ज्वाइन किया है, इन सब प्रश्नों पर पहले देखूँगा, ऑब्जर्व करूँगा क्या चीज़ें हैं, तभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरा मुनासिब होगा। ठीक सर, परीक्षा कैलेंडर पिछले कुछ सालों से जो बना था उसको फॉलोअप नहीं हो पाया था टाइम बाउंड एग्जामिनेशन कंडक्शन को लेकर। उस कैलेंडर को चूंकि पहले जो चेयरमैन थे राठौर साहब उन्होंने बताया है, उसको फॉलो में जो डिलेज होने हैं वो डिलेज नहीं हो उसके लिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल भी डिले हो, किसी भी तरह का विलम्ब हो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, जब तक कि कोई मान लो ऐसा अपरिहार्य कारण न हो, मतलब या तो कोई कोर्ट का आदेश हो या कोई ऐसा अपरिहार्य कारण हो जिसकी वजह से उसको हम विलंबित करें। वरना मैं चाहूँगा और पूरा बोर्ड भी ये चाहेगा, फुल कमीशन भी ये चाहेगा कि हम समय पे ही परीक्षाएं कराएं, ये हमारे प्राथमिकता होगी, समय पे परीक्षा कराना हमारी प्राथमिकता होगी जब तक कि कोई बहुत आवश्यक कारण ना हो। लेकिन साथ में ये भी है कि उस इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे जो चल रहा है इसमें। तो मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसको देखूंगा और इस पर चर्चा करूंगा।